Ah, oye. Ah, oye. मुझे तो ना मुझे तो कभी कभी अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब हम अपने बेबी के लिए खरीद रहे हैं, वरना अब तक सबको हम गिफ्ट देते आए हैं ना। अच्छा चलो उसका आपका वो स्टेटस उसका और बदल के बताओ। अच्छा अभी तो पापा बन गया। है ना, क्यूट है बहुत। नाइस। बस इस पे करेगा टमी टाइम या करेगी जो भी है। याद ये भी भैया। नहीं मुझे, देखो शायद मैंने दो किए थे। हाँ, एक मल्टी कलर किया था, एक संतार किया था मेरे ख्याल अच्छा से। हाँ करेक्ट, ये रेनबो है। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ ये, हाँ है, ये बड़ा क्यूट है। ये रेनबो है, इसके उधर तकिया है। और ये क्या है दिखाओ। अच्छा, ये यहाँ पे होगा इसका, हाँ ये ना। पता नहीं, अभी ये सब सीखना पड़ेगा शोएब। ये ऐसे होगा शो के लिए यार। हाँ शो के लिए लग रहा है। या ये वो लटकाने वाला तो अच्छा नहीं, कुछ और नहीं हाँ, है? ये ऐसे ही होगा ना यार, इस पे लटकाना है तो, या इस पे लटकाना है तो। पर इसके साथ कुछ और तो नहीं, वो जो ऊपर से लटकाते हैं वैसा कुछ तो नहीं है वो? या कुछ नहीं है, रुको मैं ऐसे ही इन, है बस। ये लो अच्छा ओके ठीक है, ऐसा ही है वो, ये इस पे बस इस कोई पे फायदा ही नहीं उसका तो। ठीक है चलो, क्या हो रहा है? फाइनली आज थोड़े से कपड़े सॉर्ट कर दिए जाएं। बहुत दिन से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा आप पे इनायत इनायत करम कर देते हैं। अब ये हम इनायत करम कर रहे हैं तो हम डिंपल पे करेंगे और हम उसको कमरा कल दे देंगे। तो फाइनली कपड़ों का एक सेक्शन जो है वो मैंने सॉर्ट कर दिया है, एक्चुअली आधा सॉर्ट किया है ये पूरा आधा, जब नए वाले कबर्ड में जमाएंगे तब करूंगा। फिलहाल अभी मेन मेन जो अभी ऊपर रखना है, जो नीचे भेजना है पैक करके, वो कर दिया है। और ये देखो अभी घर की हालत, ये रूम भी जो है वो खाली हो गया है, अब ये स्टार्ट हो गया है काम। ये वाला रूम भी जो है पूरा टूट गया है, यहाँ की फ्लोरिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, ये वॉशरूम भी। ये वॉशरूम के टाइल्स लग गए हैं एंड यहाँ पे ये ताम झाम चल रहा है। तो ये है अभी घर का हाल, जैसे कि आपने देखा ऐसा पड़ा हुआ है। महीना भर और जाएगा दीपी, मिनिमम 25 दिन 20 दिन तो भी और जाने वाले हैं। और ये रूम जैसे तैसे अभी पूरा भी, ये भी इसकी भी फिनिश कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत सारी फिनिशिंग जो है इसमें अभी लास्ट लास्ट की बची हुई है। बाथरूम में 2-4 चीज़ें बची हुई हैं, बट अभी क्योंकि वहाँ का पोर्शन देना था इसलिए यहाँ पे आके एक्चुअली रहने लायक हो गया है कि अभी रह सकते हैं। तो ये है, अभी लग रही है भूख, सुबह से कुछ खाए नहीं है। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, बज रहे हैं कुछ 4 के आसपास, तो अभी जाके चिकन खाते हैं क्योंकि नया खाना ने जो है वो आज चिकन बनाया है, और फिर देखते हैं उसके बाद जिम जाते हैं या क्या करते हैं। तो चलो मैं आता हूँ खाना खा के, तुम बैठो आराम करो, उसके बाद फिर देखते हैं। तुम नहीं खा रही अभी? क्यों? मैंने अभी वो सब खाया, अभी फ्रूट खाया, मैं शाम तक खाऊंगा। अभी मुझे कमरे में बड़ी उलझन हो रही है तो मैं थोड़ा इसको ठीक करूं, आज कहीं बाहर भी नहीं जाना है। तो कैसी हालत देखो दोनों। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे तो बस हेड्स ऑफ कि इस, मैं तो चलो शूट पर निकल जाता हूँ, ये इस तरीके से खाट खूट में किस तरीके से इसने पूरा यहाँ पे रही है, ये निकाला है वक्त, और ऐसी हालत में सच में मानना पड़ेगा। चलो खाना खा जाते हैं। हाँ जी, कैसी जा रही है डाइट का पहला दिन? कैसी जा रही तो वो तो खुद पता है। देखो खाने के लिए तो बहुत कुछ है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने के ज्यादा लिए नहीं है सानू। अम्मी सब कुछ है आपको, आपको सुबह गर्म पानी है, फिर चाय है, नाश्ते में 2-3 बिस्किट है, फिर उसके बाद नहीं, हाँ फिर उसके बाद नाश्ता है आपको, पोहा है, उपमा आप खा सकती हो, पोहा खा सकती हो आप, ऑमलेट खा सकती हो,
हाँ, लेकिन अब चारों चीज एक साथ नहीं खा सकती। हाँ, चार चीज नहीं खा सकते। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जैसे फिर आपको फिर 12 बजे आपको एक फ्रूट है, फिर आपको 2 बजे लंच है, एक डेढ़ जवार की रोटी है, पूरी सब्जी है, दही है, सैलेड है। जो जैसे बच्चे रहे, यहाँ लोग स्कूल जाते हैं, टाइम टेबल जमाते हैं, मुझे टाइम टेबल अच्छा नहीं लग रहा। वही तो बस है, ये चीज है, बाकी खाने को है, लेकिन वो चीज बहुत घड़ी में नजर रहती है। मैं और दीपिका वही बात करते, अम्मी के लिए मुश्किल होगा टाइम पे खाना। टाइम पे खाना, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, गुड, अच्छी बात है। अभी चाय का टाइम हो रहा है, चलो नाश्ता कर लिया था पोहा का, सब्जी थोड़ी सी डाल के। अब 11 बजे ऐसे लग रहा है, राजा मुझे जल्दी कुछ खाने को दो, राजा कहिए कुछ नहीं मिलेगा। अब घड़ी देख देख के पापा कह रहे होने वाला टाइम है। यही तो आप क्या सही नहीं। फिर याद आ गया कि पहले आधा तरबूज खा लेती थी पूरा, अब इतना से कटोरी में लिया। तो इनकी इनकी पहले यही सबकी प्रॉब्लम होती है कि पहले नहीं, अब खाना है तरबूज तो पूरा एक तरबूज आधा तरबूज निकल लिया करती थी, अब थोड़ा सा कम खाना है, मुंह का जबान का टेस्ट बदलने के लिए खाना है। बस ठीक है, अल्लाह देखो मेहनत करते हैं, देखो मेहनत क्या होता है क्या नहीं होता, दुबले होंगे फिर बताएंगे तुम्हें। हमने नाजा खालस का सानू की सानू का दीपिका का इज्जत का सवाल है, डॉक्टर के सामने वादा करके आए कि हम कम करके दिखाएंगे, चल करेंगे।